ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे जनरल सर्जरी का फर्स्ट, वुंड्स एंड वुंड हीलिंग। सबसे पहले वुंड होता क्या है, इट इज़ ब्रेक इन द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन और टिश्यू। जो ब्रेक इन इंटीग्रिटी ऑफ स्किन और टिश्यू कैन बी एसोसिएटेड विद डिसरप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर उसके बाद वुंड की क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले है रैंक एंड वेकफील्ड क्लासिफिकेशन। सबसे पहला टाइडी वुंड और दूसरा है अनटाइडी वुंड। टाइडी वुंड क्या होता है, जो सर्जिकल इंसिशंस होते हैं कि जो हम एसेप्टिक कंडीशन में परफॉर्म करते हैं, सर्जिकल इंसिशन, वो होता है टाइडी वुंड। और जो अनटाइडी वुंड्स होते हैं वो होता है क्रशिंग इंजरी, वास्कुलर इंजरी, टीयरिंग, एवल्शन, बर्न्स, ये सारे होते हैं अनटाइडी इंजरी। जो मेन क्लासिफिकेशन वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल वुंड्स। सबसे पहला क्लीन वुंड, फिर क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड, फिर कंटेमिनेटेड वुंड और डर्टी वुंड। क्लीन वुंड, क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड, कंटेमिनेटेड वुंड और डर्टी वुंड। सबसे पहले क्लीन वुंड में कौन से होते हैं, जो भी इलेक्टिव प्रोसीजर्स होती है, मतलब हम पूरी अरेंजमेंट करने के बाद कोई भी सर्जरी करते हैं, वैसी सर्जरी में जो इंसिजन होते हैं उस वो होती है क्लीन वुंड। ओके, इन इलेक्टिव सर्जरी जितने भी इलेक्टिव सर्जरी होती है दे आर क्लीन वुंड, जिसमें हमें कैविटी में एंटर नहीं करना पड़ता और ब्रेक इन स्टेरा टेक्निक भी नहीं होती। एग्जाम्पल हर्नियोप्लास्टी, एक्सीजन, थायरॉयड सर्जरी, ब्रेन जॉइंट, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी, इसमें इन्फेक्शन रेट कम होता है। ये था क्लीन वुंड। फिर क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन तो होता है, सॉरी, क्लीन कंटेमिनेटेड में इन्फ्लेमेशन नहीं होता। ओके, इन्फ्लेमेशन नहीं होता, हम जीआई कोई भी कैविटी में एंटर तो करते हैं लेकिन उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होता। तो कोई भी इलेक्टिव जीआई सर्जरी वो होगी क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड में, ये भी इलेक्टिव सर्जरी होगी लेकिन इसमें कैविटी में हम एंटर करेंगे, इसमें एंटर नहीं करेंगे। जिसकी गैस्ट्रोजेजनोस्टमी, अपेंडिसेक्टोमी, पैंक्रियाटिक बिलियरी सर्जरी, इसका इन्फेक्शन रेट है 30%। क्या है, कंट्रोल्ड ओपनिंग ऑफ नॉर्मली कॉलोनाइज्ड बॉडी कैविटीज। ये था क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड। फिर कंटेमिनेटेड वुंड में क्या आता है, इन्फ्लेमेशन होता है लेकिन पस प्रेजेंट नहीं होता। ओके, इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट लेकिन पस फॉर्म नहीं होता, इसमें ब्रेक इन स्टेराइल टेक्निक प्रेजेंट होती है। फिर इसकी एग्जाम्पल में क्या कहेंगे, कोई भी इमरजेंसी सर्जरी होती है, ओके, इमरजेंसी सर्जरी होती है वो आएगी कंटेमिनेटेड वुंड में, लाइक इमरजेंसी अपेंडिसेक्टोमी, इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टोमी, ओके, बॉवेल सर्जरी इन अनप्रिपेयर्ड बॉवेल, यूटीआई की सर्जरी, रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स इन यूटीआई, ये सारी आएगी कंटेमिनेटेड वुंड में। इसमें पस फॉर्म नहीं होता लेकिन इन्फ्लेमेशन होता है। डर्टी वुंड में इन्फ्लेमेशन भी होता है और पस भी फॉर्म होता है। इसमें इस कौन सी सर्जरी आएगी, तो ऐसी सर्जरी जिसमें इन्फ्लेमेशन हुआ होता है, लाइक पेरिटोनाइटिस, फीकल कंटेमिनेशन, एब्सेस फॉर्म हुआ होता है, ये सारी आएगी डर्टी वुंड में जिसमें पस प्रेजेंट होता है। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल वुंड। अब सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग। तो ये तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी हीलिंग, सेकेंडरी हीलिंग और हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन। तो प्राइमरी हीलिंग या हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, इसमें क्या होता है, क्लीन इंसाइज्ड वुंड होता है, जो एजेस होते हैं ऑफ द स्किन दे आर अप्रोक्सीमेटेड, मतलब वो अपने आप हील कर जाते हैं, हम सूचर की वजह से क्लोजर कर सकते हैं वुंड का, बिकॉज दे आर अप्रोक्सीमेटेड विथ सूचर। इसमें कंप्लीट रीजनरेशन होता है, फाइब्रोसिस नहीं होता, स्कार भी होगा, लीनियर स्मूथ एंड सफल होगा। ये प्राइमरी इंटेंशन। फिर सेकेंडरी इंटेंशन में क्या होगा, जो सॉफ्ट टिश्यू होगा उसमें उस सॉफ्ट टिश्यू लॉस हुआ होगा, इसमें सॉफ्ट टिश्यू लॉस नहीं था, इसमें क्या होगा, ग्रेनुलेशन होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, एपिथेलाइजेशन होगा, प्लस हीलिंग होगी वो बाय स्कार फॉर्मेशन, मतलब फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस से हीलिंग होगी, तो स्कार होगा वो भी वाइड होगा और हाइपरट्रोफीड होगा। कि इसकी जो टेक्निक है सूचरिंग की वो है सेकेंडरी सूचरिंग, इसमें जो थी वो प्राइमरी सूचरिंग। टाइप्स ऑफ सूचरिंग आगे हम देखेंगे। ये था प्राइमरी सेकेंडरी हीलिंग। अब हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन में क्या आएगा, वुंड डिब्रेडमेंट हुआ है, लोकल इन्फेक्शन भी हुआ है और जो एजेस थे स्किन के वो बहुत सारे दूर है, तो हमें सूचरिंग की मदद से नहीं कर सकते, तो हमें स्किन ग्राफ्ट यूज़ करना पड़ेगा। सूचरिंग भी कर सकते हैं लेकिन वो रेयर केस में, ज़्यादातर स्किन ग्राफ्ट होता है। स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग, इसका एक न्यूमेरिक है, हाई गैस एम, ओके, हाई एच आई जी ई एस एम, हाई गैस एम, एच से हीमेटोमा एंड इन्फ्लेमेशन, जी से ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, ई से एपिथेलाइजेशन, एस से स्कार फॉर्मेशन और एम से मैचुरेशन, ये नाम याद रखना सर। फिर टाइप्स ऑफ वुंड सूचरिंग मैंने बोला, प्राइमरी सूचरिंग, डिलेड प्राइमरी सूचरिंग और सेकेंडरी सूचरिंग। जो हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन था उसमें हम कर देंगे प्राइमरी सूचरिंग, सूचरिंग जिसमें वुंड हम इमीडिएटली क्लोज कर देंगे विद इन 6 आवर्स। 6 आवर्स इज अ गोल्डन पीरियड फॉर ट्रॉमेटिक वुंड, इट्स देन क्लीन इनसाइज्ड वुंड, प्राइमरी सूचरिंग। फिर डिलेड प्राइमरी सूचरिंग, ये हम किसमें करते हैं, हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन, इसमें हम करते हैं डिलेड प्राइमरी सूचरिंग। इसमें
जो वुंड होता है उसको क्लोज कब करते हैं सूचर से विद इन 48 आवर्स टू 10 डेज, और ये इसमें करते हैं लेसरेटेड वुंड। लेसरेटेड वुंड में डिलेड प्राइमरी सूचरिंग करते हैं, और इतना लेट क्यों करते हैं टू अलाउ इडिमा टू सबसाइड, इडिमा कम हो उसकी वजह से करते हैं 48 आवर्स टू 10 डेज के टाइम। सेकेंडरी सूचरिंग ये हम करते हैं इन हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, इट्स डन इन इन्फेक्टेड वुंड जिसमें हम क्लोज करते हैं वुंड को इन 10 टू 14 डेज और लेटर आफ्टर कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। जब ग्रैनुलेशन टिश्यू अपीयर हो जा रहा है तब करते हैं सेकेंडरी सूचरिंग इन सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता क्या है, अगर किसी भी कंपार्टमेंट में जैसे लेग में था इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई एडक्टर कंपार्टमेंट, वैसे अगर कोई कंपार्टमेंट में इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर बढ़ जाता है विद इन अ लिमिटेड स्पेस एरिया इट कैन कॉज कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ओके, इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर बढ़ जाता है इट विल कॉज कंपार्टमेंट सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन होता है लेग फोरआर्म थाई एंड आर्म, मतलब लिम्स में ज़्यादा कॉमन होता है। इसके कॉजेज क्या होते हैं, टाइट ड्रेसिंग, टाइट ड्रेसिंग प्लास्टर लाइंग ऑन वन लिम्ब इन कोमेटोस पेशेंट, बहुत देर तक पड़े रहना, ड्यू टू ट्रॉमा लाइक फ्रैक्चर इडिमा होता है उसकी वजह से, इस्टेमिक इंजरी हिमेटोमा ये सब की वजह से हो सकता है। और थर्ड है हाई प्रेशर इंजेक्शन इंजरीज लाइक गन इंजरी एक्सट्रैक्शन ऑफ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स ये सब। परंतु है ये टाइट ड्रेसिंग प्लास्टर की वजह से लाइंग ऑन वन लिम्ब फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड फ्रैक्चर इडिमा हिमेटोमा इस्टेमिक इंजरी और प्रेशर इंजेक्शन इंजरीज ये उसके कॉजेस। फिर फीचर्स में क्या आएंगे, इंटर कंपार्टमेंटल प्रेशर बढ़ा दो वो क्या करेगा ब्लड सप्लाई मतलब आर्टरीज को कंप्रेस करेगा तो उसकी वजह से इट विल कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ द मसल्स एंड नर्व्स, कि मसल एंड नर्व का फंक्शन और सर्कुलेशन कम करेगा। अगर मसल इस्चीमिया रहा फॉर मोर देन 4 आवर्स इट विल कॉज मसल डेथ एंड मायोग्लोबिनूरिया, कि मसल फॉर मोर देन 4 आवर्स इट विल कॉज मसल डेथ एंड मायोग्लोबिनूरिया। अगर इरिवर्सिबल नर्व डैमेज सॉरी अगर मसल इस्चीमिया फॉर 4 आवर्स इट विल लीड टू मसल डेथ, देन नर्व इस्चीमिया फॉर मोर देन 8 आवर्स इट विल लीड टू इरिवर्सिबल नर्व डैमेज। ओके, मसल में 4 आवर्स नर्व में 8 आवर्स। इसकी डायग्नोस्टिक साइन क्या है, अगर हम पैसिव मसल स्ट्रेचिंग करेंगे तो जो पेन वो प्रोग्रेसिवली और परसिस्टेंटली इंक्रीज होगा। ओके, पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल कॉज प्रोग्रेसिव एंड परसिस्टेंट इंक्रीज इन द पेन एंड कॉज सीवियर पेन इज द डायग्नोस्टिक साइन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कभी कभी लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो सकता है और उसकी वजह से टेंडरनेस ऑफ लिम्फ नोड हो सकती है। फिर देन मे बी एसोसिएटेड आर्टेरियल इंजरी। अभी इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर बढ़ता है तो उसको मॉनिटर कैसे करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं इन द मसल कंपार्टमेंट जिसको कनेक्ट करते हैं विद द प्रेशर मॉनिटर और हम कंपार्टमेंट प्रेशर मेजर करते हैं। अगर प्रेशर इज मोर देन 30 mm, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर देन 30 mmHg फेशियोटोमी इज इंडिकेटेड, मोर देन 30 mmHg फेशियोटोमी इज इंडिकेटेड। फिर अभी बोल रहा था साइट कौन सी, लिम्स होती है तो इसमें भी काफ और फोरआर्म दे आर मोस्ट कॉमन। अब क्लोज इंजरी की वजह से भी हो सकता है, अगर किसी ने रॉड मारा तो हेमेटोमा फॉर्म हुआ वो भी इट कैन कॉज इंक्रीज प्रेशर, देन कोई फ्रैक्चर हुआ तो अंडरलाइंग बोन वो भी कंप्रेस कर सकता है मेजर वेसल को और कैन कॉज इस्चीमिया। फिर फ्रैक्चर कैन कंप्रेस मेजर वेसल विच विल कॉज इस्चीमिया, और इस्चीमिया की वजह से क्या होगा पेन पेलर पल्सलेसनेस पैरेस्थेसिया डिफ्यूज स्वेलिंग एंड कोल्ड लिम्ब। फिर क्या होगा पेन पेलर पल्सलेसनेस पैरेस्थेसिया स्वेलिंग एंड कोल्ड लिम्ब जो होगी इस्चीमिया की वजह से अगर मेजर वेसल कंप्रेस हुई तो फ्रैक्चर की वजह से। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस बता रहा हूँ, ये हो गई कॉम्प्लिकेशन। दूसरी इट कैन लीड टू गैंग्रीन, के आर्टरी अगर ऑक्लूड हो जाएगी इट लीड टू गैंग्रीन नेक्रोसिस क्रॉनिक इस्टेमिक कॉन्ट्रैक्चर, अगर आर्टरी ऑक्लूड हुई तो। फिर मसल नेक्रोसिस हुआ तो क्या होगा, उसके मायोग्लोबिन रिलीज होगा एक्सक्रीटेड इन द यूरिन और वो करेगा किडनी डैमेज लीडिंग टू रिनल फेलियर। अभी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या याद रखना है, एक तो फ्रैक्चर की वजह से इस्टीमिया आर्टरी प्रेस होगी इस्टीमिया होगा और ये सिम्टम्स होंगे। दूसरा है गैंग्रीन होगा इस्टेमिक कॉन्ट्रैक्चर होगा और लिम्ब जो है वो डिसेबल हो जाएगा। फिर है मायोग्लोबिनूरिया होगा मसल नेक्रोसिस की वजह से और विल लीड टू रीनल फेलियर। यहाँ पे भी सेपरेट लिखे हुए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इन्फेक्शन सेप्टिसिमिया एब्सेस रीनल फेलियर गैंग्रीन कॉन्ट्रैक्चर डिसेबल्ड लिम्ब। ये थी एक डायग्नोस्टिक साइन अफेक्टेड मसल, जब हम पैसिवली स्ट्रेच करेंगे तो पेन जो है वो वर्स होगा, इट इज़ द मोस्ट रिलायबल क्लिनिकल साइन। ट्रीटमेंट में हमने देखा था फिशियोटोमी करना, कैथेटर और प्रेशर मॉनिटर से अगर मेजर करेंगे अगर प्रेशर मोर देन 30 mm हुआ तो
इंडिकेशन ऑफ फेशियोटॉमी। फेशियोटॉमी हम निकालेंगे क्या? स्किन, फैट, डीप फेशिया, अबोव द मसल। ओके, डीप फेशिया अप टिल मसल हम जाके, जब तक मसल बल्ज आउट नहीं कर जाता बाहर पूरा प्रॉपरली। ओके, स्किन, फैट, फेशिया कवरिंग द मसल अंटिल द अंडरनीथ मसल बल्चेज आउट प्रॉपरली। मल्टीपल इंसिजन भी देने पड़ सकते हैं। फिर दूसरे ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक कैथेटराइजेशन, डायबिटिक्स दे सकते ताकि फ्लूड जो वो एक्सक्रीट होता रहे तो प्रेशर कम हो। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। फिर ये एक इंसिजन है फेशियोटॉमी ऑफ द फोरआर्म। यहाँ कार्पल यानी फ्लेक्चर रेटिनाकुलम से स्टार्ट करेंगे, फिर रेडियल साइड जाएंगे, फिर वहाँ से कॉन्वेक्स पूरा एस शेप बना के मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ एल्बो जॉइंट। फ्लेक्चर रेटिनाकुलम से स्टार्ट किया, फिर रेडियल साइड ऑफ द थंब या बिगिनिंग ऑफ द पाम, फिर वहाँ से एस शेप बना के मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द एल्बो जॉइंट। ये था फिश कंपार्टमेंट सिंड्रोम पूरा। अब है क्रश सिंड्रोम, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू क्रशिंग ऑफ द मसल। क्रशिंग ऑफ मसल विच विल कॉज एक्सट्रावर्जन ऑफ ब्लड एंड रिलीज ऑफ मायोहीमोग्लोबिन। अभी मायोहीमोग्लोबिन एंटर करेगा इन द सर्कुलेशन, फिर कहाँ जाएगा? किडनी में जाएगा। इट विल कॉज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड एक्यूट रिनल फेलियर। तो मेजरली ये किडनी में कॉम्प्लिकेशंस करता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड एक्यूट रिनल फेलियर। कॉज क्या होंगे? अर्थक्वेक, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, माइनिंग, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ये सब होंगे कॉज। अब इसमें होता क्या है, इनिशियली टेंशन बढ़ता है इन द मसल कंपार्टमेंट, इन द लिम्ब जहाँ पे हुआ होता है क्रश मसल क्रशिंग, वहाँ पे टेंशन बढ़ेगा इन द मसल कंपार्टमेंट। फिर आर्टरी और वो कंप्रेस होगी, सिस्टेमिक डैमेज होगा। थर्ड डे में यूरिन डिसकलर्ड एंड स्केंटी हो जाएगा, और जो सर्कुलेशन में यूरेमिया मतलब यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा इन द ब्लड सर्कुलेशन, विच विल कॉज किडनी डैमेज। ये इफेक्ट्स ऑफ क्रश सिंड्रोम, रिनल फेलियर, टॉक्सीमिया, सेप्टिसीमिया, डिसेबिलिटी और गैस गैंग्रीन। अब ट्रीटमेंट इसमें भी मल्टीपल पैरेलल डिफिनिशन में फेशियोटॉमी ताकि प्रेशर कम कर सके, साथ में डायुरेटिक्स, मैनिटोल या फिर रियोमैक्रोडेक्स। फिर हम यूरिन में यूरिन का अल्कलाइजेशन कर सकते हैं बाय गिविंग सोडियम साइट्रेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट या सोडियम बाइकार्बोनेट टू अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन। फिर फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं, अग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी 1 to 1.5 liter per hour, हीमोडायलिसिस, कैथेटराइजेशन, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, करेक्शन ऑफ हाइपरकैलेमिया। योगी ट्रीटमेंट ऑफ क्रश सिंड्रोम। ओके, तो अब हम देखेंगे लास्ट में स्कार। स्कार में कौन से टाइप का कोलेजन होता है? टाइप 1 कोलेजन। अब स्कार की एबनॉर्मलिटी यह है कि दो टाइप के स्कार बन सकते हैं, किलोइड और एक हाइपरट्रॉफिक स्कार। इन दोनों में टाइप 1 की जगह टाइप 3 कोलेजन होता है। ओके, टाइप 3 कोलेजन होता है मोर देन टाइप 1 कोलेजन हाइपरट्रॉफिक स्कार एंड किलोइड में, जबकि मैच्योर स्कार में टाइप 1 कोलेजन होता है। सबसे पहला है किलोइड स्कार। किलोइड मतलब किलोइड का सिंपल डेफिनेशन है एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ स्कार टिश्यू कंटेनिंग टाइप 3 कोलेजन। इसमें क्या होता है, जो स्कार टिश्यू होता है इट इज एबनॉर्मली स्ट्रेच्ड बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल वुंड मार्जिन या स्कार मार्जिन। तो सपोज ये हमारी वुंड मार्जिन थी तो स्कार भी इतना ही फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन ये मार्जिन एक्सटेंड कर गई बियॉन्ड, ज़्यादा हो गई, तो वो होगा किलोइड। जबकि हाइपरट्रॉफिक स्कार में ऐसी मार्जिन एक्सटेंड नहीं होती, इट इज़ लिमिटेड विद इन द ओरिजिनल वुंड मार्जिन। तो ये किलोइड की डेफिनेशन, यहाँ पे भी दिखी हुई डेफिनेशन। किलोइड इज परसिस्टेंट एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द स्कार बियॉन्ड इट्स मार्जिन इन टू द एडजेसेंट स्किन। ओके, एडजेसेंट स्किन में चल जाती है बियॉन्ड इट्स मार्जिन। मोस्ट कॉमन इन ब्लैक्स, देन इन फीमेल, देन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज मतलब फैमिली हिस्ट्री होती है। देर इज डिफेक्ट इन मैच्यूरेशन एंड स्टेबिलाइजेशन ऑफ कोलेजन फिब्रिल। मैच्यूरेशन एंड स्टेबिलाइजेशन ऑफ कोलेजन फिब्रिल होता है इन द किलोइड। किलोइड कंटिन्यूस टू ग्रो इवन आफ्टर 6 months, इसी की वजह से जो बॉर्डर होती है वो एक्सटेंड कर जाती है इनटू द एडजेसेंट नॉर्मल स्किन। ओके, ग्रो इवन आफ्टर 6 months। ब्राउनिश ब्लैक होता है, पिंकिश ब्लैक, पेनफुल होता है, टेंडर होता है। ओके, पेनफुल और टेंडर होता है, हाइपर एस्थेटिक होता है। इट मे बी एसोसिएटेड विद एहलर डैनलोस सिंड्रोम और स्क्लेरोडर्मा। ये पॉइंट्स ओवर किलोइड के। अब किलोइड कंटेन्स इमैच्योर फाइब्रोब्लास्ट, वो तो भी बात की, डिफेक्ट इन कोलेजन फिब्रिल से
तो इट कंटेंस इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट, इमेच्योर ब्लड वेसल्स एंड टाइप 3 कोलेजन। ये तीन चीज़ें होती हैं, इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट, इमेच्योर ब्लड वेसल और टाइप 3 कोलेजन। जो साइट कौन से होते हैं, तो मोस्ट कॉमन वो है ओवर द स्टर्नम, के ओवर द स्टर्नम इट इज द मोस्ट कॉमन साइट। बाकी अपर आर्म, चेस्ट वॉल, नेक, ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हाइपरट्रॉफिक स्कार, ये अभी देखेंगे बाद में। अब इसकी ट्रीटमेंट कॉन्ट्रोवर्शियल है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, एक तो है स्टीरॉइड इंजेक्शन, इंट्राक्यूलोडल ट्रायमसिनोलोन इंजेक्शन, ये हो गए स्टीरॉइड। फिर लेज़र है, एनडीआग लेज़र, फिर एक्सीजन है, इंट्रालीजनल एक्सीजन, फिर एक्सीजन करने के बाद हम रेडिएशन के साथ कंबाइन कर सकते हैं या फिर स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, प्लस सिलिकॉन जेल शीटिंग एंड विटामिन थेरेपी, विटामिन सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। ये सारी हो गए इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन, सर स्टीरॉयड, ट्रायमसिनोलोन, फिर लेज़र, एनडीआग लेज़र, सर्जिकल एक्सीजन, प्लस हम रेडिएशन के साथ कंबाइन कर सकते हैं या फिर स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं उसके बाद, फिर सिलिकॉन जेल शीटिंग एंड विटामिन ई सप्लीमेंटेशन या फिर ए और सी थेरेपी। इसका रिकरेंस रेट होता है वो बहुत हाई होता है, इट इज़ मोर देन 50%। ये इमेज ऑफ कीलोड, ये ओवर द स्टर्नम है और ये ऑन द शोल्डर। अब हाइपरट्रॉफिक स्कार, मैंने अभी बोला था हाइपरट्रॉफिक स्कार कीलोड जैसा ही होता है, लेकिन वो वुंड मार्जिन होती है उससे एक्सटेंड नहीं करता, तो इट इज़ कन्फाइंड विद इन द मार्जिन ऑफ द ओरिजिनल वुंड। इसमें भी टाइप 3 कोलेजन नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्कार टिश्यू बट कन्फाइंड विद इन द मार्जिन ऑफ ओरिजिनल वुंड। कीलोड में हमने देखा था 6 मंथ से ज़्यादा भी वो ग्रो करता है और इसमें 6 मंथ के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। अब ये कहीं पे भी हो सकता है, ग्रोथ यूजुअल लिमिट विद इन 6 मंथ, स्पॉन्टेनियस इंप्रूवमेंट आ जाता है, ये पेल ब्राउन होता है, पेनफुल नहीं होता, नॉन टेंडर होता है, जबकि कीलोड टेंडर था, पेनफुल था। ये सेल्फ लिमिटिंग है, इसका जो रिजल्ट ट्रीटमेंट है स्टीरॉयड से काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहती है स्टीरॉयड से। फिर इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगी, एक तो इन्फेक्शन, पेन, ये सब होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है हाइपरट्रॉफिक स्कार कैन टर्न इनटू मार्जोलिन्स अल्सर, ओके ये आता था मार्जोलिन्स अल्सर। ट्रीटमेंट अभी देखी हमने, स्टीरॉयड भी दे सकते हैं या फिर प्रेशर गारमेंट, एक्सीजन भी कर सकते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग, ट्रायमसिनोलोन इंजेक्शन, यही है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरट्रॉफिक स्कार। ये एक डिफरेंस टेबल है बिटवीन कीलोड एंड हाइपरट्रॉफिक स्कार जो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा, वुंड्स एंड वुंड हीलिंग।